वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो नेक की डिज़ाइन तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह की कोलर वाली नेक की डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें नॉर्मली जो अपना नेक है वो इस तरह से मेज़र करना है यहाँ मैंने सात इंच का नेक लिया है ऊपर आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा है और यहाँ ऊपर आमतौर से हम सवा तीन इंच का नेक बनाते हैं ऊपर के साइड से तो इस तरह से पहले नेक ड्रॉ कर ले वी सेप में अब उसके बाद क्या करना है कि हमें दो इंच या ढाई इंच आप जितना भी लेना चाहो मैंने यहाँ दो इंच लिया है तो इस तरह से दो इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है हमें और यहाँ से भी दो इंच लेना है हमें और फिर यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले ये मार्किंग कर लेना है और ये मार्किंग हो जाने के बाद इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरह से मेन फैब्रिक और इनर दोनों कट कर लेना है तो ये मैंने दोनों कट कर लिए अब हम इसको इनर से ही इसको पलटी कर लेंगे मेन फैब्रिक को जब मशीन पे जाएंगे जब तो इस तरह से ये पैटर्न के लिए हमें ये साइड पे रखना है इससे हम अपनी पैटर्न बनाएंगे दोस्तों तो कट हो जाने के बाद हमें इनर का ये पोशन ले लेना है उसको ओपन करके खोल के इस तरह से सेट करना है हमारे मेन फैब्रिक पे ये डबल फोल्ड किया है मैंने इसके दो लेयर लगेंगे एक इस साइड का और एक साइड का दोस्तों तो बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ ये कॉलर बनाना इसी कॉलर को यही मेथड यूज़ करके आप डबल कॉलर भी बना सकते हो ये सिंगल कॉलर है लेकिन यही मेथड से आप डबल कॉलर भी जो कोट में लगता है उस तरह का आप बना सकते हो तो इस तरह से हमें इस जो हमने कटिंग किया है इस पोर्शन को इसे रखना है अब यहाँ पे हमें एक से सवा इंच का एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है क्योंकि ये पेच नीचे से हम रखेंगे तो ये हमें ज़्यादा रखना है और नीचे की साइड से भी ज़्यादा रखना है अब यहाँ जो हमारा नेक का जो सवा तीन इंच का जो निशान है जो कट है यहाँ पे मार्किंग करना है हमें क्योंकि, क्योंकि कपड़ा फोल्ड होगा तो यहाँ तक इसे फोल्ड होगा तो इस तरह से यहाँ मार्किंग उठा लें और हमारा ये जो ये पॉइंट है इसको मार्क करें हमारा ये सेंटर है ड्रेस का सेंटर ये वाला है लेकिन हमें यहाँ मार्किंग करना है और ये इसी के ऊपर तक इसको मार्किंग कर लेना है इस तरह से सीधी लाइन ले लेनी है अब ये हो जाने के बाद इतना मार्किंग करने के बाद इसको हम कट करेंगे तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कटिंग कर लिया है अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वहाँ हमें इस तरह से चौक का मार्क करना है अब इस पोशन को हमें हटा लेना है अब जो ये मार्क किया है इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हम ऊपर जो हमारा कट है नेक का और ये जितना मार्क है इतना अब ये मार्क हो जाने के बाद यहाँ से कोलर का हम हल्का सा सेब दे देंगे और ये कॉलर की चौड़ाई आप जितना भी रखना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो इसको तो यहाँ से सेब देना है और ये अकॉर्डिंग दो से ढाई इंच तीन इंच किसी को बड़ा कॉलर अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो अगर जितना ये पोर्शन आपको अगर बड़ा रखना है तो हमें करना कुछ नहीं है ये पोर्शन अगर मान लो कि कॉलर हमें ज़्यादा बड़ा रखना है किसी को बड़ा चाहिए तो इस पोर्शन को हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है जैसा हमने यहाँ पे इतना लिया है एक्स्ट्रा यह हमारा सेंटर है एक्स्ट्रा इतना लिया है तो हमें एक्स्ट्रा इतना लेना है तो ये एक्स्ट्रा लेने के बाद ये कॉलर यहाँ इसकी साइज बढ़ेगी अब इसको फिर यहाँ से कट कर लेना है जितना अपने वो कॉलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितनी भी इसकी चौड़ाई आपको चाहिए उतनी आप रख सकते हो तो इस डिज़ाइन में मैंने नॉर्मल ली है दो से ढाई इंच की तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे देखो दोस्तों इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये हमारा एक्चुअल जो पेज की साइज़ है वो ये है ठीक है ये एक्स्ट्रा हमने जो फैब्रिक रखा था वो है ये वाला ये जो लाइन है ये हमारा ये अंदर का पोशन है एक्चुअल जो हमारा जो शो होगा वो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया है यहाँ से थोड़ा एक इंच जैसा ही बाहर निकलेगा पेज से ये कपड़े के नीचे की तरफ जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप बाद में भी कट कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने इसको अपना अकॉर्डिंग ये कॉलर बना लिया है तो अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे कट हो जाने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा तो ये मैंने इसको कट कर लिया है इस तरह से मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है हमने इसे टॉप में दो पोर्शन काटे थे इस तरह इसमें भी कटिंग करेंगे तो इस तरह से कपड़ा सेट करेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरह से मैंने इसका कटिंग कर लिया है तो दो पोर्शन हमारे मेन फैब्रिक के हो गए और दो हमारी सलवार के हो गए अब इसके ऊपर हम कैनवास लगा लेंगे दोस्तों तो मैंने दोनों पोर्शन में कैनवास लगा लिया है अब यह हमारी पैटर्न यहाँ पे कटिंग हो गई रेडी हो चुकी है अब हम इसको सिलाई करेंगे पहले यहाँ एक बूट की सिलाई से हमें नेक को इस तरह से जो हमने कट किया था उसको पलटी करना है इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लिए और यहाँ पे इस तरह से कट लगाया है इस तरह से कट लगाना है ताकि इसको पलटाने में आसानी रहे अब इसको पलटा के हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे दोस्तों मैंने इस तरह से इसको प्रेस कर लिया है और अस्तर से मेन फैब्रिक को सिलाई कर लिया है तो इस तरह से आप रेडी कर ले फ्रंट पोर्शन हमारा रेडी हो जाने के बाद हम इसका जो ये पेज है कॉलर वाला अब उसको रेडी करेंगे तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम यहां से सिलाई करके पलटी करेंगे उसको भी यहां से यहां तक सिलाई कर ले सिर्फ ये दो साइड सिलाई करनी है ऊपर राउंड साइड पे और यहां पे। दोस्तों इसको पलटी करने के बाद अच्छे से प्रेस कर दे और यहाँ पे जिस तरह से हम कॉलर पे सिलाई लगाते हैं उस तरह से एक बूट की सिलाई लगा ले दोनों पोशन बन जाने के बाद जो हमारा ये हमने जो कटिंग किया था फैब्रिक का या इनर का जो भी अपना है उसको ले लें क्योंकि ये हमारा मेजरमेंट है इतना ही पोर्शन जितना हमने कट किया था उतना ही पेज हमें लगाना है तो इसको हम संभाल के रखेंगे अब ये बन जाने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे निशान कर लेंगे ताकि कितना फोल्ड करना है वो सही से हमें पता चले फिर उसको प्रेस की मदद से इस तरह से फोल्ड करना है जितना हमारा यहाँ मार्क आएगा उसको इस तरह से फोल्ड करना है दोस्तों तो ये मैंने प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लिया है अब ये फोल्ड हो जाने के बाद इसको मिला के इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर लेना तो ये हमारा पेज रेडी हो जाएगा इस तरह से और ऊपर की साइड से हमें शोल्डर का जो मार्जिन है आधा इंच का उसको रख के फिर इसको फोल्ड करना है एकदम बिल्कुल यहाँ से नहीं करना है थोड़ा इसको आधा इंच को सिलाई मार्जिन छोड़ के फिर फोल्ड करना है और जितना जो हमने यहाँ पे इसका जो मार्किंग किया था वहाँ तक करना है तो इस तरह से दोनों कॉलर फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहां पे मैंने ये दोनों पेज को सिलाई कर लिए अब ये पेज इसके ऊपर रखना है ये एग्जेट आप देख सकते हो उसकी जगह पर सही से आ जाएगा अब जो हमने फ्रंट पोर्शन को जो एक बूट की सिलाई करके जो हमने नेक पलटाया था तो अब यहाँ पे भी हमें एक बूट की सिलाई छोड़नी है और फिर मार्किंग करना है ये पेज से इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे हम दोस्तों पेज को सिलाई करने के बाद अच्छे से प्रेस कर ले यहाँ ओवरलुक कर ले और उसके बाद एक बुट की सिलाई लगा लें ताकि पक्का हो जाए और फिर यहाँ पे जो ओपन है तो हमें इसको खोल के इस तरह से यहाँ सिलाई करना है और इसको सिलाई करके पैक कर देना है यहाँ से फिक्स कर देना है तो ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा इस तरह से तो यह हमारा कॉलर वाला नेक रेडी हो चुका है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें